बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो अभी मैं ऑफिस से निकला हूं और जा रहा हूं मार्केट कुछ आज शॉपिंग करनी है। सुना है मुख्तलिफ ब्रांड्स पे ना बहुत ज़्यादा आजकल सेलें चल रही, क्योंकि जो समर सीज़न है ना वो जाने वाला है, तो इसलिए मुख्तलिफ ब्रांड्स ने ना सेल्स लगाई हुई हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस सेल से फ़ायदा उठाया जाए। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो जाके कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं। फाइनली मैं शॉपिंग करके निकल आया हूँ मार्केट से। बहुत रश था, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। अभी मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँचते हैं और फिर आपके साथ आज की शॉपिंग शेयर करेंगे कि कैसी शॉपिंग रही ना। आई थिंक सो टाइम लगेगा आज घर पहुँचते, क्योंकि पहले तो मैं टाइम पे निकल जाता था लेकिन आज थोड़ा लेट। अब तो लाहौर में भी ये बड़े मज़े के बोर्ड लगाए हैं इन्होंने, LED बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो लोग जब इशारे पे खड़े होते हैं तो इसको देखते रहते हैं, इसकी वीडियोस को बोर नहीं होते हैं, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है इशारे पे भी वैसे ही आजकल। तो फाइनली घर पहुंच गए, ये शॉपर उठाए हुए हैं। तो आज मैंने भी शॉपिंग ना दिल खोल के की, तो अभी घर पहुँचते हैं और मिल के देखते हैं कि शॉपिंग कैसी रही। फ्रेश हो लिया है तो शवेद से मिलने आए हैं। और शवेद साहब उधर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं शवेद साहब? क्या कर रहे हैं शवेद साहब? कब से वेट करके बैठा था वो, अब गुस्से में नाराज बैठा गया, अब मैं लेट क्यों आए ऐसे? और जी अच्छा चोरी करते हैं, चोरी करे पता नो सॉरी, कोई सॉरी नहीं चलने वाली ऐसे। क्या हो रहा था सिचु पापा, क्या कर रहा था? हाँ जी क्या कर रहा था? इसको तो भूख लग रही है मुझे लगता है। वॉकर में चले थे? वॉकर में बैठे नहीं बैठे? चलो जी इसको वॉकर में थोड़ी सी इसको सैर करवाते हैं, इसको थोड़ी सी वॉकर में ना सैर करवा लेते हैं, आज ये सारा दिन वॉकर में नहीं बैठा। शवेद के ना बाल बड़े हो गए हैं, शवेद के आप वो कंघी भी कर, कंघी के काबिल हो गए हैं ना, कंघी हो सकती है ऐसी? शवेद के ना बाल बड़े हो गए हैं, अब वो ना उसकी वो मांग निकलने वाली है, तो उसके ना कंघी करनी चाहिए। कंघी क्या करो भाई शवेद को, उसकी कंघी करो शवेद, इधर करो। ओ ओ क्यूट क्यूट। ये देखें शवेद की कॉम्बिंग भी होगी आज, फर्स्ट टाइम कॉम्बिंग। हो शवेद की कॉम्बिंग होगी भाई, कॉम्बिंग वाओ। अब इसकी ना कटिंग भी होने वाली बालों की, इसके फिर स्पाइक्स बनेंगे ऐसे। ये ना उतारना पड़ेगा मुझे लगता है शवेद को, ना सामने से नजर नहीं आता, तो ये उतार देंगे तो फिर शवेद को नजर आएगा। ये उतर जाता है यहाँ से ना, खुल जाता है मेरे यहाँ से, ये उतर जाएगा तो शवेद को फिर सामने से नजर आएगा और फिर ये लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने। शवेद जो है ना इसमें खड़ा होकर एंजॉय करता है, ये आगे चले तो फिर ये रोने लग जाता है ऐसे। ये थोड़ी नीचे करो भाई नीचे, भला खुशी ये भला खुशी हो रही। डांसिंग डांसिंग म्यूजिक पे डांसिंग हो रही, ट्विंकल ट्विंकल पे डांस हो रहा है शवेद का। जाना बाहर जाना अपने रोड पे, नो नो शवेद अब थक गया ड्राइव कर करके ना, अब इसको उतार लो अपनी गाड़ी से। क्या क्या सुना रहे हैं, शिकायतें लगा रहे हो? कौन सी शिकायतें हैं आज आपके पास? हाँ शवेद अच्छा और क्या हुआ आपके साथ? मामा ने खाना दिया था आपको? हाँ शवेद घर में कौन से काम किए आज आपने? कौन से काम किए? कोई काम नहीं किया। क्या कोई बात करनी है आपने? शवेद जो है ना कुछ छुप के बात बताना चाहता है, वो अपनी मम्मा से ना डर रहा है, मम्मा के सामने शिकायत नहीं लगानी, मैं कहता हूँ छुप के बात करनी है आप।
क्या बातें हो रही शवेद, क्या बातें हो रही शवेद। जो है ना अपनी रुदादें सुना रहा है, उसकी रुदादें खत्म नहीं हो रही, उसकी तो चलती ही रहती है। ऐसे ही नहीं खत्म हो रही। नो नो शवेद इधर लेटा हुआ है, तो हम तब तक जो है ना शॉपिंग देख लेते हैं। शॉपिंग मैंने आज की है, मैं तो एक ही शॉप पे गया हूँ और सारी चीजें जो है उधर से खरीद के आ गए। मेरे से नहीं घूमना फिरना होता ना, ये वेले बंदे के काम है। वैसे ये शॉपिंग वाला जो काम है ना, ये जो आखिर वेला बंदा होता है ना, बस चलता रहे, मार्केट घूमता रहे, फिरता रहे, तब डिफरेंट शॉप पे जाए। और वैसे मजा भी उसी शॉपिंग का होता है कि आप डिफरेंट शॉप पे जाए, डिफरेंट ब्रांड्स को आप चेक करें और जो आपको अच्छा लगे वो उठा के लिए। तो ये आजकल वैसे सेल चल रही थी, तो मैं एक ही शॉप पे गया, मैंने कहा इधर से ही लेना है और बस यहीं से लेके निकल जाऊं। तो उधर से ही लेते लेते मुझे शाम हो गई। देखने एक शॉप पे जाने का भी इतना टाइम लगता था। तो श्वेत अभी लेटा हुआ था, श्वेत को उठा के बैठा दिया ताकि वो भी हमारे साथ जो है ना शॉपिंग को देख सके। हाँ श्वेत क्या रहते हैं? यस, वो भी शामिल होना चाहता है हमारी शॉपिंग की खुशी में। शॉपिंग में जो सबसे पहले आइटम आई है मेरे हाथ में, वो एक ट्राउजर है। ये देखें, ये नेवी ब्लू कलर है और मिक्स सीजन की है, आई थिंक सो ये दोनों सीजन में चलेगी। ट्राउजर है, वैसे भी सर्दियों में भी चलती है और गर्मियों में भी चल जाती है, तो ये बड़ी जबरदस्त मुझे लगी है। ये एक जीन्स, ये फ्रंट है उसका और ये बैक। हमारे साथ श्वेत भी देख रहा हूँ, बड़े गौर से देख रहा है कि ये क्या दिखा रहे हैं। श्वेत आपको पसंद है ये? यस, वो कहता है मेरे काम की नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है इसका। अच्छा, ये एक लाइट ग्रे डार्क कलर है, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम कलर लिया। पहले सारी ब्लू 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 ब्लू, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने कहा था थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि कोई नया कलर भी ट्राई करना चाहिए जिंदगी में ना, ताकि पता चले कि पर्सनैलिटी पे क्या इसका इम्पेक्ट पड़ता है। ये दो जीन्स थी और एक ट्राउजर थी। अब बारी आती है शर्टों की। तो पहले नंबर पे जी ये एक पोलो की शर्ट है, पोलो शर्ट, ये ऑलिव कलर की है और इसके ऊपर छोटे छोटे से है ना ट्रायंगल्स बने हुए हैं क्यूट से, तो बड़ी अच्छी लगी है मुझे ये। ये फ्रंट और ये बैक, और स्टफ जो है बड़ा ही कंफर्टेबल स्टफ मुझे लगा। ये ज़रा लूज लूज जो है ना, ये बड़ी कंफर्टेबल और अच्छी लगती है। और ये एक टी शर्ट, ये भी न्यू कलर है, ये भी मेरे लिए न्यू कलर है, फर्स्ट टाइम पहनने जा रहा हूँ। पहले ग्रीन वाइट और ब्लैक ही चलता रहता था और येलो, तो ये फर्स्ट टाइम न्यू कलर है। मुझे नहीं पता लेकिन मैंने पूछा तो कहते हैं ये टी पिंक कलर है ना, आई डोंट नो टी पिंक कलर कौन सा होता है। और ये फिर पोलो की टी शर्ट है और नेवी ब्लू कलर, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक। ये डिसेंट है, बंदा कहीं भी पहन के अच्छी जगह जा सकता है, ऑफिस में भी पहन सकते हैं आप और आम रूटीन में भी। श्वेत क्या कर रहा है, खुश हो रहा है? श्वेत भी हमारी शॉपिंग देख के ना बहुत खुश हो रहा है कि आज पापा ने कोई ना नए तीर मारा है, कोई नई शॉपिंग कर दी आज। तो एक ये शर्ट है, ये एक नया, ये भी नया कलर है और नए स्टाइल में है ना, एज कैजुअल में आप जब वीकेंड्स पे कहीं पे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहीं पार्टी चार्टी है, कहीं आरा गर्दी करनी है, तो ये वाली शर्टें चलती हैं उस काम में ना। इतनी भी ज्यादा नहीं, ओवर नहीं है, डिसेंट है मुझे। और ये आजकल एक ट्रेंडी सा बना हुआ है स्ट्रेट बैंड्स में, ये वाली शर्ट ना, ये इसका फ्रंट और ये इसकी बैक। और एक ये ब्लू कलर की शर्ट है, नेवी ब्लू डार्क पर्पल सा मिक्स सा कलर है और इसके अंदर ना छोटे छोटे चेक्स बने हुए हैं, तो ये भी एक फिल्मी स्टाइल की ना शर्ट है, ऐसे जैसे फिल्मों में नहीं लोग पहनते, डैशिंग स्टाइल, रॉक स्टाइल, ये वो वाली उस तरह की है, बड़ी लूज लूज सी है, नरम नरम सी ना ऐसे। तो हम सब लोगों ने मिल के आज की शॉपिंग देख ली, आप लोगों ने भी देखी और हमने भी देखी और हमारे साथ साथ श्वेत ने भी देखी ऐसे। यस, श्वेत भी करा का मैंने सारी देख ली आपकी चॉइस। अच्छा जी, अच्छी लगी आपको? ये शुरू हो गया इसके
शवेद के कमेंट्स आने लग गए हैं शर्टों पे ना शॉपिंग के। ठीक है, सुन ली आपकी बात, बिल्कुल सुन ली, आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरे पीछे पड़ी है सारी, आपको नजर आ रही होगी। और ये सारी शॉपिंग मैंने ब्रेकआउट से की है, उम्मीद है आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा नीचे, ताकि हमें भी अपनी चॉइस का पता चले कि हमारी चॉइस जो है ना कैसी है। तो ये थी कुछ शॉपिंग जो आज आप लोगों के साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कॉमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।